अंदर ही क्योंकि आबादी भी शामिल है तो इस एक कच्चे से रोड से एक बावली यहाँ पे बनी हुई है, उस बावली की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ ताहिर खान साहब मौजूद हैं जो यहाँ के रहायशी हैं, थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि इलाके के बारे में बताएं मुझे। ताहिर साहब ये इलाके के बारे में बता रहे हैं कि कितनी आबादी होगी इधर? यहाँ पे 400 घर हैं। 400 घर हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन सब बरादरियाँ रहती हैं। अच्छा, तकरीबन जितने कौमियत है ना यहाँ पे इस गांव में रहती है। अच्छा, बस इस जगह पे खड़ा कर दे वो सामने पाओ। अच्छा, हमें ऐसे ही जाना है? हाँ, ये सामने। अच्छा अच्छा, चले ताहिर साहब से बात करते हुए चलेंगे आगे। अच्छा ताहिर साहब, आप बता रहे थे कि 400 यहाँ पे? जी हाँ, 400 घर हैं घर हैं यहाँ पे। जी हाँ। अच्छा, तो और ये सारा किले के आते के अंदर ही है? किले के आते के अंदर ही है ये सब सारे। अच्छा, जितने भी हैं तकरीबन इस किले के आते में ही हैं, बाहर नहीं है। अच्छा, बाहर कोई नहीं है? किले के बाहर बहुत तकरीबन आगे एक गांव है जिसका नाम बहादुर कोठा है। अच्छा, बहादुर का कोठा है, कोई बहादुर और ठहरा था। अच्छा, जाट बरादरी में। अच्छा अच्छा, उसने अपना पूरा खानदान ही बाहर ले गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जंगल में अपना डेरा बसा लिया, उधर अपने घर बना लिए। हाँ हाँ, घर बना के उधर वो लोग रहते थे। अभी उन लोगों को पानी की किल्लत है। अच्छा, पानी नहीं है उधर। पानी नहीं है, वो लोग इधर आ गए। इधर वाटर सप्लाई है, अपनी मदद के तहत आप खुद चलाते हैं। अच्छा अच्छा, वो वाटर सप्लाई है, उस वाटर सप्लाई में ये लोग इधर आ गए हैं, इधर रहायशें कर ली हैं लोगों ने। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइएगा ताहिर साहब, ये जो सामने मुझे नजर आ रही बावली जो है? जी, ये बावली है। तो ये बावली की क्या तारीख है, क्या ये काम आ रही है? कुआं है, कुआं में इसमें उस दौर में पानी लेते थे ये लोग। अच्छा ठीक है, सही है। ये इस जगह पे 3-4 कुएं हैं किले के। किले के? किले? जी हाँ, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख जो भी थे इधर। हाँ। बरादरियाँ थी वो रहते थे, तो वो लोग इधर से पानी भरते थे। अच्छा, पानी भर के पीते थे। अच्छा, अच्छा। अभी ये गैर आबाद हुई है सब। सही, अभी से पानी वानी नहीं आता कोई? पानी है, पानी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल नहीं करते अभी। पानी नाला घान से लेते हैं, नीचे चश्मा है। अच्छा, कुआं है वहाँ पे वाटर सप्लाई का। अच्छा, वो खोद रखा है तो उससे पानी लेते हैं हम लोग, तो पीते हैं। अच्छा, और ये सारा जो है अभी अभी भी जंगल की ये जंगल बन गया, अभी सारा जंगल है। बार बार गांव से पीछे पीछे हट के जंगल है, बाकी जो शहर में मकान है 18 मस्जिदें हैं यहाँ पे, 3 मामबार गांव है, 3-4। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, यहाँ पे सारे तकरीबन मिलाद होता है, मुहर्रम होता है, सब चीज़ें बनाई सब सब मनाई जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती हैं। अच्छा अच्छा, चले जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बावली पे मैं पहुँच गया, ये बावली पे पहुँच गए और ये बावली के कुछ मंजर हैं जो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, मज़ा आएगा। बावली उर्दू और हिंदी में सीढ़ी वाले कुएं के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बावली की तारीखी तनाजुर में बात की जाए, अमूमन बावली राजपूत दौर में इस्तेमाल होना शुरू हुई। शेरशाह सूरी ने भी काफी बावलियां बनवाई, इनमें हाथी और घोड़े भी उतर सकते थे। बाज़ बावलियों में खुफिया रास्ते भी बनाए जाते थे ताकि हंगामी हालात में इस्तेमाल हो सकें। बाज़ औक़ात इनखला के मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती थीं। इनके करीब ज़ेर ज़मीन कई किलोमीटर खुफिया रास्ते भी मिलते हैं। जहाँ भी राजपूत और शेरशाह सूरी के दौर के किले हैं, वहाँ ये बावलियाँ ज़रूर मिलती हैं। और ये आप इस बावली की, ये बावली की सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे, ये देख सकते हैं डेप्थ। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी डेप्थ है। और ऐसी बावली जो है दिल्ली के अंदर भी मौजूद है और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में और पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर है। और ये बावली जो है जहाँ पे वारिस शाह का जो इलाका है वहाँ पे भी ये बावली मौजूद है। ये देखें, ये शेरशाह सूरी ने जो जो जिस जिस जगह पे किला बनाया ना, उसने बावली भी बनाई। ये पानी के लिए हुआ करती थी? जी हाँ, पानी के लिए थी। तो नीचे जा सकते हैं थोड़ा? जा सकते हैं ना, नीचे जा सकते हैं। आइए आइए जी, थोड़ा सा आपको नीचे चल के दिखाते हैं नीचे का मंजर। और अगर अभी आप शायद फील नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से आवाज़ जो है ना टकरा के दीवारों से वापस आ रही है। मुझे अपनी ही आवाज़ दोहराती हुई नज़र आ रही है, जैसा लग रहा है जैसे एको मेरी आवाज़ में लगा दिया गया है। बड़ी बावली और सत बावली नामी दोनों कुओं से किले के मकीन अपनी जरूरियात के लिए पानी हासिल किया करते थे। बड़ी बावली में आज भी पानी मौजूद है, तहम अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जितना मैं नीचे जाता जा रहा हूं, उतना ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर एसी ऑन किया हुआ है। यहाँ पे जो गर्मी थी ऊपर की शिद्दत गर्मी वो यहाँ पे नहीं है, हालांकि यहाँ पे हवा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है ठंडक बहुत ज़्यादा है। तो बड़े मज़ेदार जगह है, ये देख सकते हैं अब तो क्योंकि इस्तेमाल में नहीं है। और ये बावली का पानी मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ,
बड़ी तारीखी बावली है और ये आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जो है वो मिलती है। पत्थर फेंक के बावली है या वैसे मट्टी से भर गया, ये बहुत नीचे और बहुत साफ पानी और अच्छा, ये बहुत गहरा, ये गहरा है जी हाँ, ये बहुत मीठा पानी था लेकिन अब इसको धंधा कर दिया है। देखो किस तरह बनाया होगा इन्होंने, ओहो कैसी प्यारी हवा आई है, ओहो हाँ जी फिल्टर हो गया, ये पानी सेम का है। अच्छा, या बारिश का पानी है या सेम का पानी है। अच्छा, गंदा पानी नहीं है, सिर्फ गंदा हम लोगों ने किया हुआ किया हुआ है, लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, ये बोतलें डालते हैं, ये कचरा डाल देते हैं। और ये देख सकते हैं, ये है वो बावली, काफी अंदर आके मेरे ख्याल से कोई 250 पौड़ी है, 250 सीढ़ियां हैं यहाँ से जो ऊपर जा रही हैं, और मेरे ख्याल से 1 फीट की एक सीढ़ी है, तो 250 फीट जो है हम अंदर आ गए। और ये बावली है, ये देख रहे हैं पानी अभी भी इसके अंदर मौजूद है और ये काफ़ी गहरी है, ये बता रहे हैं काफ़ी गहरी है और सारा पानी जो है ज़मीन से आता था यहाँ तक ही है, इसके आगे नीचे जाती है। हाँ, इसकी सीढ़ियाँ बंद हुई हैं। अच्छा अच्छा, इसकी सीढ़ियाँ बंद हुई हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ आगे भी जा रही हैं, ये बंद की हुई है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ आगे भी जा रही हैं जी हाँ, इसके नीचे भी सीढ़ियाँ हैं, पानी ऊपर है। ओहो, मोरी गेट के करीब वाके ये बावली 270 फीट गहरी है और इसमें उतरने के लिए 300 सीढ़ियां बनाई गई हैं जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इसकी 4 मेहराबें हैं जो 40 फीट चौड़ी हैं, हर 10-15 सीढ़ियों के बाद एक वसी सीढ़ी चौड़ाई में बनी हुई है ताकि पानी लाने वाले आराम कर सकें। और अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं पत्थर फेंक के, ये देखें, ओहो ये कम से कम मेरे सर के ऊपर से पानी है। अच्छा, इतना पानी होगा, इतना पानी अभी है। ठीक है, ये सेम का पानी है सारा। अच्छा, सारा सेम का पानी है, सेम का पानी है, कोई ऐसा पानी नहीं है इसमें, ये पराठ में पानी सेम के आ रहा है ये। हाँ हाँ, जब बारिश पड़ती है तो ऊपर से आएगा कोई थोड़ा मुझे पानी आएगा, वैसे और कोई पानी नहीं है, यहाँ का पानी है। सही, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी इसकी कोई हफाजत नहीं ना करता जी, अगर हमारी गवर्नमेंट इसकी हफाजत करे या गवर्नमेंट इसको साफ़ करे, लोगों को पहुँचाए, ये ऐसे पानी तो लोग लौटते हैं, चश्मों के पानी तो लोग मांगते हैं कि चश्मों के पानी मिले, लेकिन मिलते नहीं हैं। आजकल बोलते हैं कि यार वो पानी हो, फिल्टर वाला हो, दूसरा हो, लेकिन ये ज़मीन से जो पानी निकलता है ये खुद बहुत फिल्टर होता है। और जी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं और क्योंकि जगह बहुत शानदार है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन यहाँ के एक लोकल जो थे वो हमें मिले जब, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ एक बावली भी है इस किले के अंदर। तो जब यहाँ पे आए तो लोग भी आए हैं क्योंकि काफ़ी मौसम बहुत अच्छा, अंदर ठंडा है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पूछते हैं कहाँ से आए और इनको कैसे पता चले इस जगह का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? भावल नगर से। ओहो, तो आपको कैसे पता चला इस जगह के बारे में कि यहाँ बावली भी है? ये हमने सुना था और इससे पहले हमने कई लोगों से जाना है, इसके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है। अच्छा, और कहा गया कि ये बहुत प्यारी जगह है। अच्छा और अच्छा, मैं तो सबसे यही कहूँगा कि यहाँ पे आना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सब दोस्तों ने आज प्लान किया कि किला रोहतास को देखते हैं, पता चला था फेसबुक वगैरह पर भी पढ़ा, तो आज हमने प्लान किया, वीकेंड था कि आज हम जाते हैं सारे मिलके देखते हैं, और हम यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा पाया इसको, वर्थ वॉचिंग प्लेस है, सबको हम रिकमेंड करेंगे कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, ये एक वर्थ वॉचिंग प्लेस है। ये जो कुआं अभी हमने देखा जिसको बावली का नाम दे रहे हैं, ये बड़ी एस्थेटिक व्यू है इसका, तो रिकमेंड किया जाता है सबको आएँ और एनर्जी के साथ आएँ, एनर्जेटिक लोगों को लेकर आएँ और इसको एक्सप्लोर करें और फ्रेश फील करें।